जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधना जानकारी लेकर आया हूँ जिसके बारे में YouTube पर काफ़ी भ्रम फैला हुआ है, काफ़ी ढोंग पाखंड फैला हुआ है, उसको सिर्फ गलत ही नज़रिए से लिया जाता है। भैरवी साधना, जो कि शावर मंत्रों, शमशानी पद्धति, अघोर पद्धति, गृहस्थ लोग, सारे लोग करना चाहते हैं। जो भी पंथ से जुड़ा हो अपना अपना ज्ञान इस पर देता है, लेकिन 90% लोगों को भैरवी साधना का मतलब पता ही नहीं है। 90% लोग इसको सिर्फ और सिर्फ संभोग से देखते हैं। 90% लोग ये सोचते हैं कि इस साधना में सिर्फ और सिर्फ संभोग होता है। क्या सिर्फ संभोग होता है भैरवी साधना में, या उसके अलावा भी भैरवी साधना बहुत कुछ होती है, या पाताल भैरवी, या कोई सी भी भैरवी, मैं कह रहा हूँ कनिका भैरवी, उच्चिष्ट भैरवी, या कोई सी भी ऐसी भैरवी, ठीक, महाकाल भैरवी, महाकाली भैरवी, किसी से भी रिलेटेड उसका भैरवी तत्व अगर है तो सिर्फ क्या वो संभोग के नज़रिए से देखा जाता है? नहीं। पहली बात, भैरवी तत्व को प्राप्त करने के लिए आपको भैरव तत्व प्राप्त करना ज़रूरी है। भैरवी तत्व आप किससे प्राप्त करेंगे? जो आपकी अर्धांगनी होगी। ये नहीं कि आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। सात फेरों में, सात वचनों में लेकर के सारी साधना जब उससे होती है, जो मंत्र द्वारा उच्चारण किया जाता है पंडित द्वारा, वही एक चीज़ होती है किसमें, साधना पद्धति में, जो कि आपकी भैरवी होती है। भैरवी का मतलब ही ये होता है आपकी अर्धांगिनी। भैरव जब भी उग्र होते हैं तो वो दो ही चीज़ से संभलते हैं, पहला भैरवी और दूसरा उसकी माँ काली। सेम कंडीशन भैरवी के साथ होती है। भैरवी साधना एक तांत्रोक्तर पद्धति में इतनी बड़ी साधना है कि उससे आप सारे तंत्र जगत को जीत सकते हो। ठीक, संपुटित मंत्रों में उसको उल्टा चलाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब भैरवी गुस्सा होती है तो वो संभलती है भैरव से सिर्फ, क्योंकि वो उनके अर्धांग हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपको कोई मारने आया है, तो सबसे पहले सावित्री भी यमराज से लड़ गई थी अपने पति के लिए, तो सेम कंडीशन भैरवी भी लड़ जाएगी आपके लिए, आपकी अर्धांगनी भी लड़ जाएगी आपके लिए। सेम कंडीशन भैरवी की होती है। अगर भैरवी आप सिद्ध कर रहे हो तो भैरव तत्व आपके अंदर होना चाहिए। भैरव तत्व जब एक्टिव होगा तब आप उसको सिद्ध कर सकते हो। यही भैरव तत्व आपको साथ देगा भैरवी साधना के लिए। और अगर कई लोग सोचते हैं कि 21 दिन में, 41 दिन में इनकी साधना कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, ये सिद्ध होना चालू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी साधना अमावस्या से चालू होती है, 90 दिन का विधान होता है। चाहे शावर मंत्र कर लो, चाहे डाबर मंत्र कर लो, चाहे जैनी मंत्र कर लो, चाहे वैदिक मंत्र कर लो, चाहे संस्कृत मंत्र कर लो, 90 दिन का विधान होता है। 90 दिन में लेकर के आपको पूर्णता सात्विक यौगिक पद्धति, योग, ब्रह्मचार का पालन, तामसिकता को त्यागना होता है, तब आप जाकर के भैरवी सिद्ध कर सकते हैं। प्रॉपर सुबह उठ करके साधना करना, फिर रात में बैठ करके साधना करना। आप रात में 9 बजे बैठेंगे और प्रॉपर आपको 11 बजे सो जाना है। दिन निकलने ना पाए, आपको नहा करके वो साधना करने बैठ जानी, तब जाकर वो भैरवी तत्व मिलता है। वो भैरवी तत्व जो कि 10 महाविधा में एक्टिव है, उनके अर्धांग में एक्टिव है, ठीक, भैरव तत्व वो आपको मिल जाता है। तब आप तंत्र जगत को जीतते हो, तब आप मेडिटेशन करते हो, सिर्फ मेडिटेशन से आपके काम होने लगते हैं, आपकी इच्छा शक्ति इतनी जाग जाती है कि आप त्रिकालदर्शी बन सकते हो। इसकी प्रॉपर दीक्षा होती है, बिना दीक्षा के इसको दिया ही नहीं जाता, इस साधना को। जो लोग साधना मंत्र विधि विधान बुक से पढ़ के कर लेते हैं, उनके मंत्र देखते हैं, सब फालतू है। डिप्रेशन में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, विचलित होना चालू हो जाओगे। उसके मंत्रों में इतनी ऊर्जा है, गर्मी है, कि आप उसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई गुरु का होना उस साधना में, गुरु मंत्र का होना उस साधना में, रक्षा कवच का होना उस साधना में, गुरु मंत्र द्वारा दिया गया, गुरुमुखी द्वारा दिया गया मंत्र उस साधना में बहुत अति आवश्यक है। इसलिए भैरवी तत्व जो है एक रहस्य है। अगर जैसे आप भैरवी साधना कर रहे हो, आपके अंदर तामसिकता आएगी, तामसिकता संभोग की इच्छा होगी, काम वासना बनेगी, सारी चीज़ से आपको खुद को संभालना होता है, तब वो गुरु मंत्र रक्षा कवच काम आता है। जो लोग नेट के मंत्र उठा करके करने लगते हैं, वो कभी भैरवी साधना में सफल नहीं होते, कोई अनुभव नहीं होंगे उनको, क्योंकि जब तक गुरु कान में मंत्र नहीं फूकेगा बोल करके, तब तक आपको वो मंत्र सार्थक फल नहीं देंगे। इसी कारण से भैरवी साधना का जो काल होता है वो रात होता है। उच्च कोटि अग्निकोण, दिशा दक्षिण उत्तर, ये चलती है इसकी। जब ये चलती हैं तो इनके पीछे लाखों योनि की पिशाचनियाँ, यक्षिणियाँ, कपालनियाँ, इतनी सारी शक्तियाँ चलती हैं जो कि भक्षण करती हुई चलती हैं लोगों का। भैरवी आपके सामने से गुजर रही है, आपके पास दो तरीके हैं बचने के।
या तो सरेंडर कर लो माँ मान के उसको, या फिर उसके पेट में चले जाओ, क्योंकि उसको भक्षण करने की आदत है। तामसिक पद्धति हो चाहे सात्विक पद्धति हो, ये दुष्टों का भक्षण करती है, ऐसे नहीं कि अच्छे लोगों का भक्षण करती है, लेकिन ये क्रोध में इतनी रहती है कि ये देखती नहीं है। उच्च कोटि अग्नि कोण बोला क्योंकि मैंने, उच्च कोटि, कोटि मतलब उच्च है, कोण अग्नि है, शांति क्रम में नहीं, शांति क्रम में नहीं है ये, उच्च कोटि में है, उग्र साधना जिसको बोलते हैं। इस कारण से पाताल भैरवी को भूगर्भ विद्या में हर किसी तंत्र काट में बहुत तेजी से लाया जाता है, चाहे मारण हो, वशीकरण हो, विद्वेषण हो, स्तंभन हो, षटकर्म, नौ प्रयोगों में बहुत अति तीव्र चलती है ये। जब आप इसको साधना चालू करते रहोगे, इसके मंत्रों का उच्चारण करते रहोगे, साधक के पास पैसे की कमी नहीं हो सकती, साधक कभी भूखा पेट नहीं मरेगा, अकाल मृत्यु नहीं जाएगा, उसके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं मर सकता, वो होती है भैरवी। बिना दीक्षा के ये काम नहीं करेगी। इसी कारण से हम लोगों ने सोचा है कि ये भैरवी जो तत्व है, और भैरव तत्व जो है, प्रॉपर मेडिटेशन योगा से एक्टिव करवाया जाएगा साधकों को, ताकि उन लोग तंत्र मार्ग में आगे बढ़े। प्रॉपर मेडिटेशन योगा उनको उठाना बताना है कि कैसे होगा, इसका ग्रुप बनाया जाएगा जो कि पेड ग्रुप होगा, फ्री में तो होगा नहीं वो ग्रुप, है ना, और इंडिविजुअली सबको व्हाट्सएप पर बताया जाएगा, जो कि ठीक एडमिन बस उसमें लिख सकता है। सिर्फ एक दिन उसमें दिया जाएगा कि अनुभव आप डालेंगे जब भी आपको ये सारी चीज़ करनी होगी, है ना। और अगर इंडिविजुअली जैसे रहता है इस चीज़ का, तो इंडिविजुअली आप हमें भी बता सकते हैं कैसे हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो फीमेल भी रहती हैं तो वो इंट्रोवर्ट रहती हैं, बताना नहीं चाहती हैं। रिसेंटली काफ़ी सारी फीमेल्स जुड़ी हैं साधिकाएँ, तो जो ये चीज़ कर रही हैं और बड़े अच्छे फल मिल रहे हैं उसको। तो ये जो सारी साधनाएँ होती हैं बड़ी ही गोपनीय होती हैं, है ना। दैट इज़ वाई काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि गुरु शिष्य से शेयर करता है, शिष्य गुरु से बस शेयर करता है, साधक साधक को नहीं बताते। भैरवी तत्व ही ऐसा है कि जब आप उसको एक्टिव करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैं ही सब हूँ, और आप संपूर्ण कलाओं में क्या होगे, निपुण हो जाओगे, क्योंकि आप 16 कलाएं, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, सबके धनी हो जाओगे। आपकी नाड़ी चक्र ये जागृत होना चालू हो जाती हैं, आपके जो बोलना चाहिए मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक का चक्र एक्टिव होने लगता है। ये जो सारी चीज़ें हैं तंत्र, जैसे बीज मंत्र तंत्र में सबसे बड़ा क्या है, ह्रीम, वैसे ही भैरवी का बीज मंत्र सबसे बड़ा तंत्र में होता है, ठीक। वो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, हालांकि जब उसकी दीक्षा विधान होगी तब बताऊँगा। तो अगर आपको ये सारी साधना सीखनी है, इसके बारे में और डीपली नॉलेज लेना है, ठीक, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको भैरवी दीक्षा दी जाएगी, भैरवी साधना सिखाई जाएगी, प्रॉपर मेडिटेशन सिखाया जाएगा, जिससे आप भैरवी तत्व अपने अंदर एक्टिव कर सकते हो, और आप भैरव तत्व भी एक्टिव कर सकते हो, और तंत्र जगत में, तंत्र साधना में और आगे बढ़ सकते हो, पाखंड नहीं फैला सकते, आप खुद फिलॉसफर बन सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमसे ये साधना चाहिए है शाबर या फिर वैदिक संस्कृत मंत्रों की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, नंबर से आप साधना ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मामारी।